बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज मन्ना खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना खान ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और इस समय देख ही रहे हैं मौसम मेरे पीछे, काफ़ी मौसम लाजवाब है। सुबह से धूप नहीं निकली है और इस समय अभी हवा चल रहा था, अभी जस्ट हवा भी रुक गया, थोड़ी सी उमस हो रही है। तो खैर ये सो गई अलग बात। आज मैं आप लोगों को जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो वीडियो एक्चुअल में मैं गया था खलीलाबाद, तो मैंने सोचा कि एक मिनट ट्रेन जा रही है, मैंने सोचा कि वहाँ की जो मार्केट लगती है खलीलाबाद की वो मैं आप लोग को दिखा दूँ। और ख़ासकर वो जहाँ से लोग होलसेल में कपड़ा लेके आते हैं वो सब, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और उस मार्केट का एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, वहाँ पे आप अगर जा रहे हैं सामान लेने तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर सामान लेते वक्त आपको एक चीज़ की सावधानी बरतनी है कि अगर आप एम साइज़ ले रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि वो एम साइज़ में न करके और जो उनके पास माल नहीं बिकता है वो साइज़ आपको पकड़ा देते हैं लोग। और वो भी कब? जब वो आपको सामान थैला देने वाले होते हैं लोग, उसमें रख के पन्नी में करके, तो आप उसको ध्यान नहीं देखते, आप समझेंगे कि मैंने एम साइज़ लिया है और आप लेके चले जाएंगे वो कोई और साइज़। मेरे साथ ऐसा हुआ है एक बार, तो मैं कह रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वहाँ पर इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी है। तो रेट तो काफ़ी सही है, आप लोकल मार्केट से जाएंगे तो लोकल मार्केट से समझ लीजिए 50% का अंतर आता है, तो आप समझ ही सकते हैं वहाँ पे किस हिसाब से रेट है। तो रेट में तो कोई कमी आप लोग को नहीं दिखेगी, लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप जा रहे हैं एक्सल लेने तो आप पैकिंग होने के बाद भी एक बार ज़रूर टैग देख लीजिएगा, वो भी एक का नहीं सारे का टैग देखिएगा। जितना उसमें अगर 10 पीस है तो 10 पीस का टैग देखिएगा, क्योंकि कई बार करते हैं लोग कि एक पीस ऊपर एक पीस नीचे एक्सल दे देंगे और बाकी सब आपको एम दे देंगे, आप लेके चले आएंगे फिर लेके जाएंगे तो वापसी आपको वहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं वहाँ पे गया था कुछ और काम से, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जो मार्केट जहाँ पे लगता है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और आज है फ्राइडे, तो अभी दोपहर के लगभग 3:30 हो रहे हैं और मैं एक दिन पहले गया था। और वहाँ पे जाने के बाद और एक चीज, और वहाँ पे जो मार्केट लगता है, मार्केट वहाँ पे शनिवार और रविवार को लगता है, तो मैं वहाँ पे गया था तो मार्केट तो नहीं लगा था पूरा, मतलब कंप्लीट मार्केट नहीं लगा था, लेकिन जो वहाँ पे लोकल दुकानें हैं और जो पटरी पे जो लोग अपना वहाँ पे लोकल लेके बैठते हैं लोग, और जो कुछ लोग होता है कि वहाँ पे माल दिल्ली से लेके आते हैं और ये लोग अपना वहाँ पे जगह बना के वहाँ पे बैठते हैं लोग, तो कुछ दुकानें लगी थी। बाकी जो मेन मार्केट लगता है वो शनिवार और रविवार को लगता है, तो अगर आपको जाना है तो शनिवार और रविवार को जाइएगा। और ख़ास कर इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइज और सब कुछ देख के ही, पैक होने के बावजूद भी वो एक बार ज़रूर कंफर्मेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर धोखाधड़ी होगा तो आपको वापस वहाँ पे नहीं हो पाएगा फिर जाके, क्योंकि आपको वो कहेगा कि नहीं हम यही साइज़ दिए थे, और कब तक आप वहाँ पे बातें करेंगे। तो देख लीजिएगा आपको कैसे जाना है। और अगर आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आपको कहीं पहले ही देख के फोर व्हीलर अपनी पार्क कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में शनिवार के दिन वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आप टू व्हीलर से अगर हैं तो आपको टू व्हीलर लेके चलने की जगह नहीं मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चलिए पहले आप वीडियो देख लीजिए कि आपको मतलब कि जो जहाँ पे वो मार्केट लगता है वहाँ का एरिया पूरा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कि आपको नेक्स्ट टाइम जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने ज़्यादा नहीं 10 ही रखा है, तो उम्मीद है आप लोग इसे 10 लाइक देंगे। तो चलिए वीडियो देखिए। तो फाइनली मैं खलीलाबाद पहुँच गया हूँ और आगे जस्ट मार्केट है, जो ये मेन हाईवे है जो लखनऊ वाला है, तो मैं अब उससे नीचे उतर गया हूँ खलीलाबाद मार्केट जाने के लिए, क्योंकि उनको साइड से होके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ओवर ब्रिज है और अब हम लोग आगे चलते हैं। और जो लोग न्यू हैं उनसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कुछ भी कहिए, खलीलाबाद के मार्केट में आपको मतलब कि लेडीज़ सामान तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ बच्चों का, मतलब मैं कहूँ तो बच्चों का ज़्यादा सामान मिलता है, और बड़ों का लोवर हुआ, जींस हुआ, टी शर्ट। लेकिन टी शर्ट में अगर आप एक्सेल या डबल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल खोजेंगे तो वो मिलना मुश्किल है, मतलब कि मुश्किल क्या, नामुमकिन है,
क्योंकि ट्रिपल एक्सेल तक साइज नहीं रखते हैं सर यहाँ पे, यहाँ तक कि डबल एक्सेल भी साइज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं टी शर्ट में बहुत ही ढीला पहनता हूँ टी शर्ट, तो मैं ज़्यादातर डबल एक्सेल साइज ही मतलब अपना लेता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड खलीलाबाद लखनऊ सब लिखा हुआ था, तो ये मार्केट अब यहाँ से देख सकते, ऊपर भी आप पढ़ लेंगे, ये देख रहे हैं नगर निगम खलीलाबाद कुछ करके लिखा है। तो फाइनली अब हम लोग मार्केट में आ गए हैं। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो ट्रिपल एक्सेल साइज है ये मिलना नामुमकिन है, तो अगर आपको मतलब कि ट्रिपल एक्सेल या डबल एक्सेल आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यही कहूँगा। उसके लिए आप गोरखपुर के मंडी से आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो साइज़ नहीं मिलती है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेल तक आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जो ये सब रोड अभी आपको खाली दिख रही है, आपको बगल में टेंट जैसा सब दिखेगा, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहीं से पूरा मार्केट से लगना स्टार्ट हो जाता है, और ये मार्केट 2 दिन लगता है, शनिवार और रविवार, तो आपको इन 2 दिन आना पड़ेगा, और इन 2 दिन में आपको मतलब जो भी लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बगल में कुछ लोग अभी गाड़ी पे लगाए हुए हैं, आप मेरे राइट साइड में भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी, तो ये लेफ्ट साइड में मतलब राइट साइड में आप देख रहे हैं जो टेंट जैसा हल्का हल्का लगा कर रखे हैं लोग, ये सब वही पटरी मार्केट लगती है यहाँ पे कपड़े की। तो ये शनिवार को लगेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ दुकानें वाले जो कि अपना लोकल के हैं लोग, और वो लोग माल रखते हैं, वो लोग लगा के अपना बैठे हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे राइट साइड में, इसके पीछे आपको गली से होकर पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे पूरी की पूरी मंडी लगती है, तो आपको वहाँ पे भी सामान मिल जाएगा अंदर गली में, और वो पूरा का पूरा मंडी जैसा मार्केट है। और यहाँ पे जो डमी होता है जो दुकान के आगे लोग लगाते हैं, और हाफ डमी जो होता है जो केवल सीना से लेके पैरों तक होता है, वो भी आप लोग को इस रोड में मिलेगा, और वो बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। तो अगर आपको वो भी लेना है तो आप आ सकते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बस यहीं तक, क्योंकि मुझे बस मार्केट दिखाना था कि आप लोग को कहाँ पर मार्केट लगता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग न्यू हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।